हेलो स्टूडेंट्स, डाउट एट चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 13.1, प्रश्न संख्या 3 है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो खिलौना है वो एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु को रख के बनाया गया है। नीचे एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है, और इस खिलौने की जो संपूर्ण पूरे की जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले आकृति बना लेते हैं। ये एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु है इसी त्रिज्या का। इस अर्धगोले की त्रिज्या और उस शंकु की त्रिज्या है वो बराबर है। शंकु की और अर्धगोले की त्रिज्या बिल्कुल बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके ऊपर हमने एक शंकु बना लिया इस तरह से। ये इस अर्धगोले की त्रिज्या और इस शंकु के आधार है जो इसकी त्रिज्या, दोनों क्या हैं? समान है। ये त्रिज्या हो जाएगी। ये त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की पूरे की ऊंचाई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये ऊंचाई, इसकी संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी क्या है, इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ये भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए ये ऊंचाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं h। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये h, ये हमारे पास हो जाएगी। ये पूरी हमारे पास है 15.5, इसमें से हम ये घटा देंगे 15.5। एच हमारे पास हो जाएगी 15.5 घटा 3.5, 12 सेंटीमीटर। तो एच हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमारे पास आर है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम प्रश्न को करते हैं। हमें बताना है इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों, इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वो हो जाएगा इस शंकु का क्षेत्रफल जमा इस अर्धगोले का क्षेत्रफल। हमें दिया है, ये 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इस पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है, खिलौने की कुल ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ से बच्चों हमारे पास h, इस शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 15.5 घटा 3.5, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि कुल लंबाई हमारे पास है 15.5 और ये है 3.5, ये बच जाएगी 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बराबर होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल जमा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले चाहिएगा L, जहाँ पर L होती है त्रिज्या ऊंचाई, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमें L चाहिएगा। और L का सूत्र होता है, L बराबर होता है H की 2 जमा R की 2 वर्गमूल। ये L निकालने का सूत्र है, इसको आपने याद करना पड़ेगा। L होता है H स्क्वेयर जमा R स्क्वेयर। यहाँ से हमारे पास L आ जाएगा H, H हमारे पास है 12
जमा आर त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास है 3.5 इसका वर्ग और वर्गमूल। एल का मान निकालेंगे, एल हमारे पास हो जाएगा 12 का वर्ग 144 जमा 3.5 का वर्ग करना है। आप बच्चों 35 का वर्ग कर लो, 35 का वर्ग होता है 1225। तो यहाँ पर दो के बाद क्या जाएगा, दशमलव, 12.25। देखिए यहाँ पर 35 गुना 35 आप करेंगे, ये आपके पास आएगा 1225। दशमलव एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दशमलव एक और एक दो, दो के बाद है तो यहाँ लग जाएगा 12.25। इसका करेंगे हम वर्गमूल, ये हमारे पास जोड़ेंगे तो आ जाएगा 156.25। अब दशमलव का वर्गमूल निकालना कठिन है थोड़ा सा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इजी मेथड क्या है, आप ही दशमलव को हटा दो यहाँ से। इसको हम लिख सकते हैं 156.25 बटे दशमलव का एक रखते हैं, दो अंक है तो दो लग जाएंगी 0। हमने दशमलव को बदल दिया भिन्न में। अब हमें वर्गमूल निकालना है 15625 बटे 100 का। 15625 का वर्गमूल होता है 125 बटे 100 का वर्गमूल होगा 10। इसको भाग देंगे 12.5, तो हमारे पास बच्चों एल का मान आ जाएगा 12.5। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का। ये हमारे पास हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वेयर जमा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का हो जाएगा πr(l), क्योंकि हम निकाल रहे हैं बाहर का, ये सिर्फ ये बाहर, बाहर का, अंदर का नहीं ले रहे हम सिर्फ निकाल रहे हैं इसका बाहर का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पूरे का। तो 2πr² जमा πr(l), यहाँ पर हम कॉमन लेंगे पाई और आर, पाई आर कॉमन आ जाएगा बाहर, 2r जमा अंदर बचेगा पाई आर, बाहर आ गया अंदर बचेगा एल। पाई का मान 22/7 गुणा आर, त्रिज्या हमारे पास है 3.5। गुणा 2 गुणा r, r हमारे पास 3.5 जमा l, l हमारे पास है 12.5। इसको हल करेंगे 22/7, 3.5 को लिख लेंगे 35/10, अंदर हमारे पास है 2 गुणा 3.5, ये आ जाएगा 7 जमा 12.5। आगे हल करेंगे, 7 से काट देंगे इसको 5, 5 से काट देंगे इसको 2, 2 से इसको काट देंगे 11। बाहर हमारे पास आएगा 11, अंदर हमारे पास आएगा 12.5 जमा 7 19.5, गुणा कर देंगे ये हमारे पास आ जाएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से बच्चों हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल होगा इस अर्धगोले का क्षेत्रफल जमा इसे शंकु का क्षेत्रफल। ये बाहर का आएगा इसका, और ये पूरा, ये जो बाहर का जितना भी एरिया है इस पूरे का क्षेत्रफल हमें निकालना है।